मेवात क्षेत्र में दिन प्रतिदिन सामाजिक बुराइयां देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि कामार डीएसपी प्रदीप यादव के नेतृत्व में चलाए जा रहे जुआ सट्टा के खिलाफ अभियान के तहत कामा पुलिस ने अलग अलग ठिकानों पर दबिश देकर 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए जुआरियों से तलाशी के दौरान 12,000 से अधिक की राशि व ताश के पत्ते जब्त किए गए हैं। पुलिस की कार्यवाही से जुआरियों में हड़कंप मचा हुआ है। पकड़े गए जुआरियों पर जब पत्रकार का कैमरा चला तो किसी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माते और अपने आप को शर्मिंदगी से छुपाते नजर आए। कामा थाना अधिकारी कमरुद्दीन ने बताया कि डीएसपी प्रदीप यादव के नेतृत्व पर जुआ सट्टा के खिलाफ क्षेत्र में विशेष अभियान छेड़ा हुआ है, जिसके तहत 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ताश के पत्ते व 12,000 से अधिक रुपये की बरामदगी की गई है। पकड़े गए जुआरियों की पहचान गुलाब सिंह पुत्र हेदी राम जाटव निवासी कामा, राम प्रसाद पुत्र महेश चंद्र नाई निवासी कामा, आरिफ पुत्र इसाद खान मेब निवासी कामा, मुबारक पुत्र ईसा मेब निवासी कामा, अज्जो पुत्र सोहेल गुजर निवासी कनवाड़ा, पप्पू पुत्र भगवान दास कोहली निवासी कामा, आशु पुत्र चैन खान निवासी गावड़ी। इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। आज थाना कामा के मुलाजमान द्वारा अलग अलग दबिश देकर मुखबिर की सूचना पर 7 आरोपी जुआ खेलते हुए को पकड़ा, जिनसे 12,480 रुपये जब्त किए गए, जिनका नाम इस प्रकार है: गुलाब सिंह, राम प्रसाद, आरिफ, मुबारक, पप्पू, अज्जो, आशु। ये ताश के पत्तों से सड़क के आसपास आम जगह पर जुआ खेलते पाए गए। इनके खिलाफ जुआ अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।